हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्ची स्टोर निम्न क्लास 12th के जो होते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, तो देखिए उच्ची स्टोर निम्न 2020 के लिए यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो जिसमें मैक्सिमा मिनिमा आता हो उसका आज हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिसके थ्रू आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए उसी को मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सवाल करेंगे इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट को संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम दिए गए फलन को वाई मानेंगे, जो सवाल दिया रहेगा उसको वाई मानना है। ओके, सेकेंड क्या करना है हमको, उस सवाल का डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करना है। जो हमको इक्वेशन दिया गया है उसको वाई मानेंगे, सेकंड क्या करेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। थर्ड काम हम लोग को ये करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। उसके बाद उससे जो समीकरण प्राप्त होगा उससे एक्स का संभव मान हम लोग प्राप्त कर लें। ओके, ये तीन चार काम करना है। सबसे पहले सवाल को वाई मानेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स का मान जीरो करेंगे, उस इक्वेशन से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। इतनी बात समझ में आएगी? जब एक्स का मान हम लोग का निकल जाएगा, फिर फोर्थ काम हम लोग को करना है डी वाई बाई डी एक्स का अगेन पुनः डिफ्रेंसिएशन करना है, जिससे डी टू वाई बाई डी एक्स हमको प्राप्त हो जाए। अब जो इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स से प्राप्त होगा उसमें एक्स के प्रत्येक मान को हम लोग क्या करके रख के चेक करेंगे। ओके गाइज, जैसे ही मैं ये चेक करूँगा तो अगर एक यहाँ से मैंने क्या किया, डी टू वाई डी एक्स में एक्स बराबर, अगर एक्स का मान ऋणात्मक आ रहा है तो उस पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ओके गाइज, जो एक्स का मैंने संभव मान निकाला है उसको पहले इसमें डी टू वाई डी एक्स निकाल के उसमें रखेंगे, जिससे अगर उसका मान ऋणात्मक आता है यानी निगेटिव आएगा तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, यानी निगेटिव आने पर मैक्सिमा होगा। और सेकेंड यही देखिए, यदि उसका मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, निम्निष्ट होगा यानी मिनिमा होगा। ओके, बाकी सारा क्लियर मैं आपको सवाल से कर दूंगा, बस ये 6-7 पॉइंट है उसको जान लीजिए आप लोग। ओके गाइस, उसके बाद सेवेंथ कह रहा है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए एक्स के संगत मान को सवाल में रखते हैं। अगर हमको उच्चिष्ट मान पूछ देगा सवाल में, तो जो उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए एक्स के संगत मान को हम लोग किस में रखते हैं, सवाल में रखते हैं। यदि एक्स बराबर ए पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान शून्य प्राप्त हो तो डी क्यू अपन डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यूब हम लोग ज्ञात करते हैं और एक्स का ये रखते हैं। ओके गाइज, तो इतना बस आपको पता करना है, बाकी अब हम लोग सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम मान रूट टू है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं गाइज। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, सवाल को वाई मानना है। ओके गाइज, तो देखिए मैंने सवाल को वाई मान लिया है, वाई इक्वल टू हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स। अगर किसी को अवकलन का फार्मूला या डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन का किसी को फार्मूला नहीं पता हो, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कल या परसों में मैंने डाला है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, जिससे आपको समझने में आसानी होगी मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने वाई को कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो मैंने पूरा इनको डिफ्रेंसिएशन का साइन लगाया, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे दिया। अब मैंने सेकेंड में बताया था फॉर मैक्स एंड मीन के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग जीरो करेंगे, यहाँ जीरो रख देंगे। ओके, जीरो रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से ये जीरो हो चुका है साइन एक्स। अभी साइन एक्स बराबर हो जाए कॉस एक्स को, तो साइन एक्स से नीचे कॉस एक्स कर दें, ये टेन एक्स हो जाए, यहाँ वन हो जाएगा, टेन एक्स बराबर वन। वन कितने की वैल्यू होती है टेन में, पाई बाई फोर की, तो टेन एक्स बराबर टेन पाई बाई फोर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो गई पाई बाई फोर। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग को पुनः अवकलन करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मैंने आपको लिखवाया भी है, उसमें अगेन डिफ्रेंसिएशन करना होगा, आप लोग वीडियो पीछे करके या पॉज करके देख सकते हैं। तो फिर डी टू वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला इसी फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ से देखिए मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का मैंने क्या किया, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, कॉस एक्स था, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब हमको चेक करना पड़ेगा एक्स बराबर पाई बाई फोर पर क्या ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, तो जो एक्स की पाई बाई फोर आई ये वैल्यू मैं इसमें रखूँगा। ओके गाइस, यहाँ देखिए मैं रख रहा हूँ,
माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई बाई फोर रखा, कॉस पाई बाई फोर रखा। अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये निगेटिव आएगा, अगर माइनस आता है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमा होगा। अगर प्लस आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये निम्निष्ट है। ओके गाइस, तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर वैल्यू रखी है साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपन रूट टू, माइनस वाले से कॉस पाई बाई फोर की भी वैल्यू वन अपन रूट टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन अपन रूट टू, माइनस वन अपन रूट टू होता है माइनस टू अपन रूट टू। रूट टू हमेशा जब भी नीचे आए तो हम लोग उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण कराते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो रूट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आया माइनस रूट टू। ओके गाइस, जब माइनस रूट टू आया तो हमको पता चल गया है ये क्या होगा, फलन उच्चिष्ट होगा यानी मैक्स होगा। अब मैक्सिमम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सवाल में उच्चिष्ट मान रखने पर जो पाई बाई फोर, यहाँ से एक्स बराबर पाई बाई फोर रखा है, वो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम लोग सवाल में रखते हैं ये एक्स की वैल्यू। तो देखिए सवाल था वाई बराबर साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसमें हमने एक्स का मान यहाँ से देखिए डाल रहा हूँ, जैसे एक्स का मान साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस बाई फोर रखेंगे, वन अपन रूट टू प्लस वन अपन रूट टू, ये भी हो जाएगा टू अपन रूट टू। अब इसको सॉल्व करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर तो टोटल आएगा रूट टू। ओके गाइस, यहाँ से देखिए रूट टू आ रहा है, तो यही हमको सवाल में प्रूफ करना था कि क्या होगा, फलन उच्चिष्ट होगा रूट टू पे। यहाँ से उच्चिष्ट मान पूछ रहा था सवाल में, देखिए उच्चिष्ट मान रूट टू होगा। तो ओके, ये सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के सवाल हमेशा तीन या चार नंबर में ज़रूर आते हैं, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो जिसमें मैक्सिमम मिनिमम आता हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। तब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की पावर फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स के उच्चतम तथा न्यूनतम मानों के लिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया सवाल को वाई माने, तो फर्स्ट आपको वाई मान लेना, उसके बाद इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए वाई का डीवाई बाई डी, यहाँ देखिए एक्स की पावर एन का हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन। एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो पावर होता है पहले आगे आता है उसमें से एक पावर कम हो जाता है। तो देखिए एक्स की पावर फोर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, पावर आगे आएगा उसमें से एक पावर कम हो जाएगा यानी फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। वैसे ही एट एक्स क्यूब का करेंगे हम लोग तो एट कॉन्स्टेंट है वो तो रहेगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर यानी ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, जिनको पता होगा उनको तो समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो जाके देखें, जो मैंने आपको डिफरेंट वो इंट्रीगेस मैंने आपको फार्मूले का जो वीडियो दिया हो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब 22 एक्स स्क्वायर का करना हो तो इसको भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 22 पहले से दिया तो 22 दूनी 44x हो जाएगा, और 24x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 24 हो जाएगा। dx बाई डी एक्स मैंने बताया आपको वैल्यू कितनी होती है, dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होती है। ओके गाइस, तो dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1, तो 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं, यहाँ देखिए मैंने जीरो किया है। उसके बाद फोर एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर बराबर जीरो। अब हम इसको फोर पूरे में से कॉमन ले लिए, इससे फोर कॉमन ले लिए और उसको इधर भेज दिया, तो एक्स क्यू माइनस यहाँ से फोर कॉमन लेंगे एक्स क्यू, सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाए, छः चौको चौबीस होता है, सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर एंड इलेवन फोर जो फोर्टी फोर एंड सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, एक्स बराबर वन पे हम लोग चेक करते हैं कि किस पे ये जीरो हो रहा है, ये त्रिघात है ना, इस ये इक्वेशन स्क्वायर नहीं है, त्रिघात है, तीन घात के लिए है, तो इसका आपको पता नहीं होगा कैसे इसका फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर प्लस माइनस वन पे चेक करते हैं। ओके गाइस, तो एक्स बराबर वन पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी एक इसका क्या हो जाए, एक्स माइनस वन एक इसका फैक्टर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स माइनस वन को तीन बार लिखते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। ओके गाइस, उसके बाद यही चीज़ जो ऊपर रखी है एक्स क्यू माइनस, इसमें एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा कराएंगे एक्स क्यू मिल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से माइनस वन में एक्स स्क्वायर मिल गया, हमको चाहिए था सिक्स एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर मिल गया। अब और कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, माइनस फाइव एक्स से, देखिए मैंने माइनस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस फाइव एक्स से माइनस में कराएंगे प्लस फाइव एक्स, और मुझको चाहिए इलेवन एक्स, तो कितने की कमी है छः एक्स, तो इसमें छः एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे फिर ये मेरा मिल जाएगा। अगर ये आपको नहीं आता है त्रिघात का तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए समझ लीजिए, उसका मतलब अगर नहीं आता है तो मैं आपको त्रिघात का बना के दे दूंगा। ओके गाइस, यहाँ से देखिए क्या करना है, उसका एक्स बराबर मैंने वन चेक कर लिया, जीरो हो रहा है, तो इसको तीन बार लिख लिया, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन, बाकी जो बीच का एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको एक इक्वेशन वर्क देखते हैं। अभी देखिए
स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, इसका हम लोग करने आता है। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने निकाला x माइनस वन, x माइनस थ्री, x माइनस टू। अब इस तीनों पे हम लोग चेक करेंगे, x माइनस वन पे, x माइनस थ्री पे, x माइनस टू पे, जिससे x की वैल्यू एक वन आ रही है, थ्री आ रही है और टू आ रही है। ओके, अब समीकरण एक का पूर्ण अवकलन करेंगे, जो dy बाई डी एक्स निकाले सो उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारह एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एक्स, 48x प्लस 44। ओके गाइज, अब इसमें एक x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 8x बराबर 1 पे, मैंने निकाला है तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो गाइज ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, निम्निष्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आने पर हमेशा क्या होता है, मिनिमा होता है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही। तो यहाँ देखिए x बराबर 1 पे जब मैंने इस पे मान रखा है d2y में, तो x की d2y कैसी आ रही है हमारी, x पे 8 आ रही है। ओके, 8 आने पर ये क्या होगा, निम्निष्ट होगा। फिर अगेन हम x बराबर 3 पे चेक करेंगे। ओके, नहीं मैंने 2 पे पहले चेक कर लिया, x बराबर 2 पे क्रम से 1 2 3 पे, आप किसी का भी चेक कर सकते हो। मैंने सेकंड का चेक किया, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू -4 आ रही है। जब -4 आ रही है यानी 2 पे क्या है, फलन उच्चिष्ट हो गया। x बराबर 2 पे फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ओके गाइज, x बराबर 2 पे फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा पे देखें, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे क्या है, x बराबर 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 8 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, फिर निम्निष्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके गाइज, और अपना प्यार हमेशा देते रहें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि लोगों को भी पता चले। यहाँ अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दे रहा है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले सवाल को वाई मानेंगे, उसके बाद एक्स से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो डी बाई बी डी एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। ओके गाइस, और 2x स्क्वायर का अवकलन, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी माइनस 4x ये हो जाएगा। x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 6 का 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये देखिए ये हो गया इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में डी बाई बाई डी एक्स 0 करते हैं। dy/dx 0 करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 3 1 जा 3। अब ऐसा फैक्टर करने कि हमको गुणे करने पर 3 आए और जोड़ने पर 4 आ जाए। तो देखिए मैंने 3 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ दिया। ओके, तो यहाँ से देखिए फैक्टर, अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए फैक्टर का, स्क्वायर का भी और क्यूब दोनों का मैं आपको करके दिखा दूंगा, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी तो समझ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग इंटर में हो तो आपको ज़रूर स्क्वायर तो आता ही होगा। ओके गाइस, तो एक्स बराबर वन, एक्स बराबर 1/3 पे हम लोग कर लेंगे, फिर पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने के लिए ओके गाइस, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पुनः उसका अवकलन करेंगे। जब अवकलन करना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन मिली तो उसका 6x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसमें x बराबर 1 पे एक बार चेक करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करने पे 2 आ रहा है, यानी फलन पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फलन पॉजिटिव निम्निष्ट हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ देखिए मिनिमा मैं दिखा रहा। अब क्या करेंगे, x बराबर 1/3 पे चेक करेंगे, इसमें निम्निष्ट मान भी पूछ रहा है। तो जब निम्निष्ट मान पूछेगा तो हम लोग को क्या करना है, निम्निष्ट मान पूछे जब भी गाइस, तो इसका जो x की वैल्यू हमने 1 निकाला वो सवाल में रखेंगे। सवाल हम लोग का था y बराबर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें देखिए निम्निष्ट जो मान आया 6 आया। जब निम्निष्ट मान सवाल में पूछे तभी निकालिएगा, अगर नहीं पूछे, सिर्फ उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, तो आपको सिर्फ उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताना है। ओके गाइस, अब x बराबर 1/3 पे हम लोग चेक करेंगे। वैसे मैंने x बराबर 1/3 पे चेक किया है तो इसमें -2 आ रहा है, जैसे ही माइनस आए तो आपको क्या बोल देना है, ये उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 1/3 सवाल में रखते हैं, जो हमने y मारा तो उसमें रखे हैं y बराबर x क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम मान हो जाएगा। ओके गाइस, ये देखिए 167/27 आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने टॉप मोस्ट आपसे क्वेश्चन लिए जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, फलन के उन मानों को ज्ञात करिए। तो मैंने सबसे पहले सवाल को y माना, फिर x के सापेक्ष उसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। dy/dx इक्वल टू 2x क्यूब का अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का 18x और 12x का 12 हो जाएगा। अब dy/dx को अगेन क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके गाइज, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, टोटल में 6 कॉमन है, 6 कॉमन कर लेंगे, 6 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो जिससे x की वैल्यू मिल रही है 2 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 और 1 मिल चुकी है तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं। ओके गाइज,
यहाँ से देखिए 12x-18 एक्स बराबर 2 रखने पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो फलन कैसा होगा तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फलन निम्निष्ट होगा। कैसा हो जाएगा गाइस, फलन निम्निष्ट हो जाएगा। और निम्निष्ट मान पूछे तो हम लोग एक्स बराबर जो 2 निकाले वो किस में रखेंगे, सवाल में रखेंगे, जिसको हमने वाई माना था उससे हम लोग का निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है। जो निम्निष्ट मान आ रहा है कितना, 1 आ रहा है। ओके, तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है। सवाल लिखा है x³ - 3x + 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को वाई माने, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x², 3x का हो जाएगा 3 प्लस 4 का हो जाएगा 0। ओके गाइस, ये dy/dx आ गया। अब फॉर मैक्स एंड मिन के लिए dy/dx की वैल्यू हम लोग 0 करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x² - 3, इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में चाहे x² - 1 x² ये लिखा है a² - b², अगर नहीं भी करना है तो इसको छोड़ दीजिए डायरेक्ट। x² = इसको 1 इधर भेजेंगे तो x = +-1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 - 1। अब इसका अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन मेरा 1 था, इसको फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 3x² का डिफ्रेंसिएशन 6x हो जाए। अब x = 1 पे चेक करेंगे, +1 पे चेक करेंगे तो वैल्यू किस कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने पर हमेशा क्या होता है, निम्निष्ट होता है। अगर ये निम्निष्ट मान पूछता तो हम लोग निकालते, लेकिन निम्निष्ट मान नहीं पूछ रहा है तो फिर हम लोग d2y/x = -1 पे चेक करेंगे। -1 पे चेक करने पर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। ओके गाइस, तो -6 आने पर फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। ओके, तो फलन हमारा कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे मेरे 6-7 सवाल जो कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद है, ऐसा वीडियो आप चाहते हैं और भी, तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।